इंदौर सरवटे बस स्टैंड पर लगातार अवैध वसूली और एजेंटी विवाद की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसमें बस संचालक भी खासे परेशान नजर आ रहे थे, जिसे लेकर पुलिस और बस संचालकों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। हाल ही में इंदौर सरवटे बस स्टैंड नए स्वरूप में शुरू हुआ है, जिसके बाद से लगातार एजेंटी विवाद और अवैध वसूली के मामले भी सामने आने लगे थे, जिसमें बस संचालक भी काफी परेशान नजर आ रहे थे, जिसे लेकर आज पुलिस और बस संचालक की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बस संचालकों को भी ऐसे मामले सामने आने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने बस संचालकों को भी हिदायत दी है कि किसी तरह की अवैध वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर ऐसी शिकायतें मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने एजेंटी और अवैध वसूली करने वालों को भी चिन्हित किया है, जिन पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि सरवटे बस स्टैंड की आबोहवा खराब ना हो। पिछले कुछ दिनों में सरवटे बस स्टैंड पर अलग अलग तरह के एजेंटी होती है, अवैध वसूली होती है, इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने कुछ कार्रवाई भी की है और इसमें बस संचालकों को भी मीटिंग के लिए बुलाया गया था और सरवटे बस स्टैंड के जो AICTL के द्वारा नियुक्त मैनेजर हैं उनको भी इसमें बुलाया था और सभी लोगों से इसमें बात की गई है और किसी भी तरह की अवैध वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने सबको बता दिया है और बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है, किस तरह से व्यवस्थाएं वहाँ पर सुचारू रूप से की जाए इस पर भी चर्चा हुई है और पुलिस के नंबर सबको दिए गए हैं, सभी को ये बताया गया है किसी भी तरह की कोई शिकायत मिलती है तत्काल पुलिस को सूचित करें, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अनसोशल एलिमेंट्स के खिलाफ में पुलिस करने के लिए तत्पर है। पुलिस ने अभी पिछले दिनों में अपनी तरफ से ही कार्रवाई की है, ऐसे बदमाशों को चिन्हित किया है जो जिनकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी उन पर प्रकरण भी पंजीबद्ध किया है, जेल भी भेजा है और अभी बस स्टैंड पर कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति काम ना करे, बस संचालकों को भी बताया गया है कि वो जिन भी व्यक्तियों को वहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं उनका प्रॉपर जो है वो कार्ड बनाएं और आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में भी जांच कराएं और किसी भी तरीके से ये जो वसूली की शिकायतें थी उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पुलिस ने इसमें कड़ी कार्रवाई की है, आगे भी हम जो है इसमें यही रुख रखेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।